We are discussing the question number 9th of exercise 6.5 और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. ये आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी देखे हैं इस तरीके के कई क्वेश्चन. यहाँ पे क्या बोलता है, एक लैडर है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, वो रीचेज अ विंडो डेट इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड. लेट्स से ये आपका ग्राउंड है और यहाँ पे सी पॉइंट पे आपका विंडो है. तो जो ग्राउंड से विंडो का डिस्टेंस है वो है आपका 8, ये आपको गिवन है. और ये जो लैडर है वो आपको यहाँ पे इन्होंने 10 मीटर दे ही रखा है ऑलरेडी. सो आपको डिस्टेंस बताना है जो फुट होगा लैडर का. लैडर का फुट ये है और जो बेस है वॉल का बेस डेफिनेटली यही होगा, है ना. तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है. ओके, सो इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ पाइथागोरस. यहाँ पे डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और इजीली हमें बेस का वैल्यू मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लिखने का एक स्टाइल होगा बिकॉज आपको लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में. लेट्स सी, आप ए बी को एक्स पुट किया जो कि डिस्टेंस है ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल. आपने इसको एक्स पुट किया. ओके, ये हम एक्स ऑलरेडी देख चुके हैं. ए सी जिसको आपने लेंथ ऑफ लैडर बोला वो 10 है. बी सी जो कि हाइट है विंडो की फ्रॉम द ग्राउंड, ये 8 गिवन है. लैडर 10 आपको गिवन था. ओके, सो जब आपने ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो इट्स वेरी इजी, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस. सो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो आया इस कैलकुलेशन के हिसाब से 36, और तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 मीटर. इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. थैंक यू.